गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शान पटेल। टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जैसे कि बच्चों, हमारे अब तक पार्ट 1 to 5 यहाँ पे एडोलेसेंस एज के वाले जो चैप्टर्स है उसमें 1 to 5 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। आज हम पार्ट 6 स्टेप में जा रहे हैं। ओके, पार्ट 6 में हमारा मेन टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस की जो लाइफ है उसमें जो उसका रिप्रोडक्टिव जो फेज जो होता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस जो होती है उसमें किस तरीके का वो उसका फेज किस तरीके से होता है उसके बारे में समझते। ओके, वो पीरियड किस तरीके से होता है। नाउ सी हियर, एडोलेसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। देखो बच्चों, आपको पता है कि एडोलेसेंस जो होते हैं उसमें जब बॉयज जो होते हैं बॉयज में टेस्टिस होते हैं और गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज होती है ना। तो बॉयज में टेस्टिस में से जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है और ओवरीज में से जब ओव्यूम जब एग प्रोड्यूस होता है तब उस टाइम पे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है, जिसको गैमेट्स कहते हैं। क्या प्रोड्यूस होने की शुरुआत होती है उसमें, गैमेट्स। कौन सी एज में, जब एडोलेसेंस एज में ये गैमेट्स प्रोड्यूस होने की शुरुआत होती है। जो बॉयज होते हैं उसमें बॉयज में जो टेस्टिस जो होते हैं उसमें से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और गर्ल्स में जो ओवरीज होती है उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, ओव्यूम मींस एग्स प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ रहा है, जिसको गैमेट्स कहा जाता है। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। बच्चों यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो मैच्योरेशन जो टाइम जो होता है, मैच्योरेशन टाइम की जो कैपेसिटी है जो गैमेट्स प्रोडक्शन करने की, गैमेट्स गैमेट्स मीन्स क्या, मैंने आपको सोचा गैमेट्स मीन्स बॉयज में टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म्स और गर्ल्स में ओवरीज में जो एग प्रोड्यूस होता है वो, उसको गैमेट्स कहते हैं स्पर्म और ए जो एग प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूम उसको गैमेट्स कहते हैं। तो ये गैमेट्स के जो ये प्रोडक्शन जो है गैमेट्स का वो कब तक चलता है, मींस ये जो गैमेट्स का जो प्रोडक्शन है वो मेल में फीमेल फीमेल की कंपैरिजन में मेल में वो ज्यादा टाइम जो लॉन्गर टाइम तक ये गैमेट्स जो है वो उसके जो प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। किसमें लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो मेल में फीमेल की कंपैरिजन में लॉन्ग टाइम तक ये प्रोसेस चलेगी। क्लियर। नाउ इन फीमेल्स द प्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 इयर्स ऑफ एज। देखिए यहाँ पे ये टाइम भी दे दिया गया है कि ये फीमेल में जो ये प्रोडक्टिव फेज जो होता है, फीमेल में जो ये प्रोडक्टिव फेज जो होता है मींस जहाँ पे ये प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है मींस फीमेल में, आपको पता है कि फीमेल में प्यूबर्टी की शुरुआत जो है, एडोलेसेंस एज की जो शुरुआत जो है वो मेल की कंपैरिजन में 2 इयर्स पहले जल्दी हो जाती है। मींस जब फीमेल 10 to 12 इयर्स, 10 से लेकर 12 इयर्स की होती है तब ये प्यूबर्टी की उसमें शुरुआत हो जाती है और ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो इस टाइम पे शुरू हो जाता है उसका। एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स। और यहां से ये रिप्रोडक्टिव फेज उसका शुरू होता है किसमें, यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है। गर्ल्स जब 10 to 12 इयर्स की होती है, जब वो एडोलेसेंस एज में पहुंचती है, जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंचती है तब उसमें ये रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो जाती है। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर 10 to 12 इयर्स में गर्ल्स में फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, प्यूबर्टी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन वो चलती कब तक है, तो उसका जो एंड है जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स। जब फीमेल 45 से लेके 50 इयर्स की जब तक होती है तब तक उसमें ये जो रिप्रोडक्टिव जो उसकी जो सिस्टम है, ये रिप्रोडक्शन करने की जो सिस्टम है वो तब तक उस पर चलती रहती है। याद रखेगा, तब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। कब तक, 45 इयर्स या फिर 50 इयर्स तक, याद रखेगा।
The ova begin to mature with the onset of puberty. जब ये फीमेल जो है जब ये प्यूबर्टी की एज में जब पहुंचती है तब उसमें ओवा ओवा बिगिन टू मैच्योर, उसमें जो ओवा जो है जो एग जो है जो ओवर इसमें जो ओवा प्रोड्यूस होता है उसकी शुरुआत हो जाती है प्रोड्यूस होने की। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है फीमेल का वो 10 ईयर से लेके 12 ईयर्स की एज में मींस प्यूबर्टी की एज में वो स्टार्ट हो जाता है। और कब तक वो चलेगा? जब तक उसकी एज 45 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक, बिटवीन 45 टू 50 ईयर्स तक ये उसकी जो ये जो प्यूबर्टी की जो एज है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करने की जो एज है गैमेट्स प्रोड्यूस करने की उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो 45 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक ये फेज उसका कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, याद रखेगा। One ovum matures and is revealed by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि one ovaries कोई भी एक ovaries में से one ovum mature, one ovum जो है वो release होता है। कब release होता है? तो उसके लिए 28 to 30 days, 28 to 30 days में वन टाइम गर्ल्स में क्या होता है जब वो प्यूबर्टी की एज में जब पहुंचती है जब वो 10 इयर्स से लेकर 12 इयर्स जब उसकी प्यूबर्टी की एज एडोलेसेंस की शुरुआत होती है तब उसमें से वन मंथ में वन टाइम मीन 28 टू 30 डेज में वन टाइम उसकी ओवरीज में से एक वन ओव्यूम प्रोड्यूस होता है रिलीज होता है। ओके, याद रखेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop this result in pregnancy। बच्चों यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि during this period, इस period के दौरान the wall of the uterus becomes thick, जो uterus की जो wall होती है वो कैसी हो जाती है? Thick, वो thick बन जाती है। Okay? So as to receive the egg, इसीलिए वो egg जो है जो egg यहाँ से release होता है ओवर इसमें से वो receive कर लेती है। In case it is fertilized, अगर वो egg जो है अगर fertilized हो जाता है and begins to develop, अगर वो develop होने लगता है this result in pregnancy, जो तो female है वो pregnant हो जाती है। समझ में आ रहा है? Clear? Okay. Now if fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called the menstruation. यहां पे ऐसा बताया गया है अगर इस पीरियड के दौरान अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो वुमेन जो है जो फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी उसको रह जाती है। मीन्स समझ में आ रहा है? वहां पे वो प्रेग्नेंट हो सकती है अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है इस टाइम में तो। और यहाँ पे ऐसा पता है फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो द रिलीज एग, एग जो है वो रिलीज हो जाता है। And the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women. इस टाइम पे क्या हो सकता है? वुमेन में ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड निकल सकता है। ओके, वुमेन विच इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन, ये जो ब्लीडिंग निकल जाए ब्लीडिंग होता है उस इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस कही जाती है। ओके, क्लियर? नाउ menstruation occurs once in about 28 to 30 days. बच्चों यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो menstruation process जो होती है वो 28 to 30 days में one time होती है। 28 to 30 days में means उस one month में ये one time में menstruation process होती है। The first menstrual flow begins the at puberty and is termed मेनार्च। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये मेंस्ट्रुएशन की जो
फ्लो जो है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन फ्लो कब होता है, जब फीमेल जो है, जब गर्ल जो है, जब एडोलेसेंस एज में, जब प्यूबर्टी की एज में जो पहुंचती है, मीन्स जब वो 10 इयर्स से लेकर 12 इयर्स की होती है, जब उसमें एडोलेसेंस एज की शुरुआत होती है, जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, तब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो उसमें होता है, क्लियर। और उसको क्या कहा जाता है, बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्स एज मेनार्च, इसको मेनार्च कहा जाता है। जब फर्स्ट टाइम में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज में, उसको मेनार्च कहा जाता है, क्लियर। नाउ एट 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म मेनोपॉज। देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि उस फर्स्ट टाइम उसका मेंस्ट्रुअल जो फ्लो जो होता है वो प्यूबर्टी की एज में, मिस गर्ल जब 10 इयर्स टू 12 इयर्स की होती है, तब जब वो एडोलेसेंस एज में पहुंचती है, तब फर्स्ट टाइम उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ओके। और वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो कब तक चलता है, तो एट 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज, जब तक वो 45 या 50 इयर्स की नहीं हो जाती, तब तक द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, और जब वो 45 टू 50 इयर्स की होती है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म मेनोपॉज, और ये मेंस्ट्रुएशन जो स्ट्रोक होता है 45 टू 50 इयर्स की एज में, उसको मेनोपॉज कहा जाता है, क्लियर। नाउ इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेग्युलर, बच्चों यहां पे ऐसा बताया गया है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कभी कभी इरेग्युलर हो जाती है, मीन्स यहाँ पे हमको बताया गया था कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो 28 टू 30 डेज में वन टाइम होता है ना, हमको ऐसा बताया गया कि मेंस्ट्रुएशन जो है 28 गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन 28 टू 30 डेज में होता है, बराबर वन टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी बताया गया है कि इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेग्युलर, कभी कभी इरेग्युलर भी हो सकती है, इसमें 28 टू 30 डेज बताए गए हैं, लेकिन कभी कभी समझ लो कि 26 डेज में भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो हो जाता है, या फिर कभी कभी देर भी लग सकती है, 30 डेज से ज्यादा भी हो सकते हैं, समझ गए, कभी कभी ये इरेग्युलर हो जाती है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, जिसको रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्यों इसको कंट्रोल करता है, हॉर्मोन, उसके जो हॉर्मोन्स है उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल होती है, क्लियर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, मीन्स हमने मेनली इसमें फीमेल के बारे में ही समझा है ना, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव जो फेज जो होते हैं उसके बारे में मेनली समझा, ओके। उसमें हमने क्या था, एडोलेसेंस बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द टेस्टिस एंड ओवरीज, इसमें हमने समझा कि बॉयज में जो टेस्टिस जो होते हैं, बॉयज में टेस्टिस में से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, गर्ल्स में ओवरीज में से ओव्यूल मींस एग प्रोड्यूस होता है, और यहां से ये जो गैमेट्स उसके जो प्रोड्यूस जो होते हैं वो एडोलेसेंस एज में ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, तो एडोलेसेंस एज में, इसकी शुरुआत होती है, और मेनली फीमेल्स में ये जो शुरुआत है एडोलेसेंस एज की, उसमें मोस्टली फीमेल्स को इस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि फीमेल्स की जो प्यूबर्टी की एज है वो बॉयज की एज से पहले थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स 10 टू 12 इयर्स की होती है गर्ल, तब उसमें एडोलेसेंस एज की शुरुआत हो जाती है, और बॉयज में 13 इयर्स की होती है, मैंने आपको समझा था 13 इयर्स में शुरुआत होती है बॉयज में, लेकिन गर्ल्स में 1 to 2 इयर्स जल्दी शुरुआत हो जाती है, ओके। और उसमें जो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस जो है वो गर्ल्स में 45 टू 50 इयर्स तक, जब तक वो 45 टू 50 इयर्स तक नहीं होती, तब तक उसमें ये शुरू जो प्यूबर्टी की एज से लेके वो स्टॉप जो होती है कब तक होती है प्रोड्यूस, ये जो ओव्यूम जो है उसमें 45 टू 50 इयर्स तक प्रोसेस उसमें कंटिन्यू चालू रहती है, क्लियर। उसके बाद में हमने से क्या कि वन ओव्यूम मैच्योर एंड इज रिलीज ऑफ वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज,
गर्ल्स में ये जो ओव्यूम जो है, ओवरिस में से ये जो ओव्यूम जो है उसको प्रोड्यूस होने में 28 to 30 days लगते हैं। कितने लगते हैं? 28 to 30 days मंथ में वन टाइम, 28 to 30 days मंथ में वन टाइम उसमें से ओवरिस में से जो ओव्यूम में जो एग है वो रिलीज होता है मंथ में वन टाइम। ओके क्लियर। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, पार्ट सिक्स हमने आज के लेक्चर में देख लिया पार्ट सिक्स। ओके बाकी के जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स जो है वो हम पार्ट सेवन में देखेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।